70% population of India is working on that. Achha. The first point is 75% population is working, is engaged in this sector, right? Dusra? It is basically for. Achha, main ye statement bolu to sahi rahega ki we are having lots and lots of income from agriculture sector. Sahi rahega? Yes. Pakka? No, sir. No. क्यों नहीं टर्शियरी से मैक्सिमम इनकम इफ वी आर कंसीडरिंग एग्रीकल्चर सेक्टर एज अ मेन ऑक्यूपेशन तो उसमें सबसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए ना. तो हम लोग अगर प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर को बनाते हैं तो सर एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन सेवरल सोर्सेज. हो सकता है जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर एक्टिविटीज में लगे हुए. मोर देन 60% पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लगे हुए पर सामने हमको इनकम कितनी मिलती है ओनली 24%. समझो रेशियो मोर देन 60% और सामने इनकम कितनी ओनली 24%. अगर हम ये देखने जाए तो ये कंसेप्ट गलत होगा, अगर हम ये देखने जाए तो ये कंसेप्ट सही है. देखने देखने का नजरिया गवर्नमेंट ये देखती है, हम लोग ये देखते हैं. No, sir. गवर्नमेंट हमको जो दिखा दिया ना वो देखते हैं हम लोग ये नहीं देखते समझे. तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा वो अगर हम पहले की बात करें मतलब इफ वी कंसीडर बिफोर 1947 जब हम इंडिपेंडेंट हुए ठीक है. अच्छा कब इंडिपेंडेंट हुए थे हम 14th अगस्त 1947 नहीं? चलो मैंने गलत पढ़ा होगा शायद वो पाकिस्तान हो. चलो तो बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब हम इंडिपेंडेंट हुए 15 अगस्त 1947 12 बजे बिफोर 11:55 में 11:60 ठीक है. तो उस टाइम पे हमारा जो पॉपुलेशन था वो बहुत ही कम था, हमारा पॉपुलेशन बहुत ही कम था. उसके वजह से हमारे पास जो भी एसेंशियल सर्विसेज थी, जो भी एसेंशियल रिसोर्सेज थे उसके हिसाब से हम लोग काम करते थे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते थे. और वही एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से हमारा जो इंडिया का जितना भी पॉपुलेशन उस टाइम पे था वो सस्टेन हो पाता ठीक है. अब जैसे जैसे जनरेशन टू जनरेशन आपको पता ही बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे पॉपुलेशन भी बढ़ती जाती है ठीक है. अब ये क्या हुआ कि 1947 से लेके 1991 पर 1991 आते आते हमको इतना इकोनॉमिक लॉस हो गया खत्म हो गया. 1991 पहले थोड़े एक दो साल पहले इतना इकोनॉमिक लॉस हो गया कि हमारे पास कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था ठीक है, कोई नई टेक्निक नहीं थी, वही पुरानी आदतें मुलाकात लेके खेलते रहो, पूरे फील्ड में घूमते रहो ठीक है, फार्मिंग एक्टिविटीज करते रहो, हाँ वो हो या ना हो वही सब लेके वो
खोदते रहो, सो सीड सो करते रहो, पानी कहीं से वो पाइप लगा के यू स्प्रिंकल करते रहो, वही चीज चल रही है। ठीक है, क्या हुआ ऐसा कुछ कि यहां से पूरी सिस्टम चेंज हो गई। 1991 में इकोनॉमिक्स में आपका चैप्टर है, वो भी पढ़े कर लो बहुत अच्छे से। 1991 में वी आर थैंकफुल टू आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह, उस टाइम पे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस टाइम पे, और उन्होंने कुछ चेंजेस लाए इकोनॉमिक पॉलिसी में, कुछ चेंजेस लेके आए, एलपीजी लेके आए। क्या था एलपीजी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नहीं, यही तो आप भूल कर रहे, वो था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये तीन पॉलिसीज आई जिसके वजह से पूरी इंडियन इकोनॉमी जो है वो धीरे 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 बूस्ट कर दी, जो 1991 के पहले बटर बूस्ट थी वो धीरे 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 बढ़ने लगे, और आज हम ये स्टेशनरी पोजिशन पे है। ये तो कोरोना की इसकी वजह से थोड़ा डाउन हो गया है, बट ये वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो पहले के टाइम को अगर हम कंपेयर करें तो आज हम बहुत ही सशक्त हैं, काफी टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं। ठीक है, काफी सारे क्रॉप्स हम लोग एक साथ ग्रो कर पा रहे हैं जो पहले नहीं था। ठीक है, काफी सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह सब जो है वो हमारे पास आज है, और हमारे यहाँ पे कंपनीज भी, इंडियन कंपनीज भी बना रही है, जिसकी वजह से हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को बूस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पर पहले के कंपैरिजन में अभी ज्यादा है, पहले बहुत ही कम, और पहले हम लोग हमारे लोगों को ही सस्टेन नहीं कर पाते थे, इसलिए आजू बाजू के देश से मांगना पड़ता था, लाओ ना भैया यहाँ पे चाहिए हमको, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, बिकना नहीं है। ठीक है, और यही चीज जो है वो आज हम ऐसी सिचुएशन पे है कि हम लोग जिससे मांगते थे उसे 10 गुना दे रहे हैं। आज ऐसी सिचुएशन है कि जिसके पास से हम लोग मांगते थे आज वो लोग हमारे पास से मांग रहे हैं, हम उनको 10 गुना दे रहे हैं, इतना प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो भी हम आगे ये चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग से। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर देयर इन इंडिया? बहुत सारे फार्मिंग। ठीक है, तो कुछ मेन चीजें आपको दी। ठीक है, मेन है क्या है? ये ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है ना? यस, मल्टीपल क्रॉपिंग सर। मल्टीपल क्रॉपिंग है पर इट इज नॉट अ टाइप ऑफ क्रॉप, टाइप ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में सबसे पहला टाइप आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसको शॉर्ट में याद रखना है, एकदम शॉर्ट में, कंफ्यूज नहीं होना, एकदम शॉर्ट में याद रखना। ठीक है, प्रिमिटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? ओल्ड एज, एंशियंट। ठीक है, सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सब्सिस्टेंस का मतलब ये होता है अपनी जरूरत को पूरा करना। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अपनी जरूरत को पूरा करना। और फार्मिंग का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी। समझ गए एक ही लाइन में? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब जो फार्मर्स अपनी सस्टेनेंस के लिए पुरानी टेक्निक्स को यूज करके जो फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं उसको बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्लियर? एक ही सेंटेंस में हो गया, खत्म, याद भी रह गया। ठीक है सर, तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में मल्टीपल क्रॉपिंग और ये सब नहीं आएगा? टाइप्स ऑफ फार्मिंग में मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं आता। मल्टीपल क्रॉपिंग इज अ टाइप ऑफ क्रॉप, मतलब अगर सूटेबल क्लाइमेट है, अगर हमारे पास इतना मतलब ऐसा अच्छा टेम्परेचर है
हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो हम लोग एक साथ बहुत सारे क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं. दिस इज टाइप्स ऑफ दिस इज व्हाट यू आर सेइंग क्रॉपिंग मेथड ऑफ फार्मिंग. अच्छा, डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड मेथड ऑफ फार्मिंग. हाँ, दे आर बोथ डिफरेंट. कंफ्यूजन था इसके लिए. ओके, तो सबसे पहला तो हमको याद रहेगा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब पुरानी तरीकों से, मतलब वो ट्रैक्टर के जगह पे उपलब्ध था, फिर वो खोदने की वो दाव, ये सारी चीजें को यूज करके अपने सस्टेनेंस के लिए या अपनी फैमिली के सस्टेनेंस के लिए जो भी फार्मिंग एक्टिविटीज होती है उसको बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ठीक है, दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इंटेंसिव, ये दोनों को सेम है. इंटेंसिव का मतलब क्या? ये वेंचर, इसको मैं नॉर्मल प्रेशर दूंगा तो ये इंटेंस प्रेशर दूंगा, इसको भी खराब होगा. प्रिमिटिव जो हो सकता है वो करते हैं, यहां पे नहीं क्यों हो सकता है, सब कुछ करना है पर हमें प्रोडक्ट चाहिए, सब कुछ करना है हमें प्रोडक्ट चाहिए. मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये लोग कोई भी मॉडर्न इनपुट्स यूज नहीं करते, तो जो भी मिलता है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लो 100% सोन एरिया है, उसमें से ये लोग अगर एक्टिविटीज करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, 35-40% प्रोडक्ट मिल जाएगी, चलेगा, सस्टेन हो जाएगा, फैमिली चल जाएगा, या तो आजू बाजू वाले को दे देंगे थोड़ा बहुत रहेगा. ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, नहीं करना ही है. अगर 100% हमको मिला है, सोन एरिया है हमारे पास, तो अप्रोक्सीमेटली 90-95% हमको तो मिलना ही चाहिए, तभी हम पूरा देश चला सके. तो इंडिया सबसे ज्यादा ये फार्मिंग पे फोकस करता है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. मतलब इंटेंसिव मतलब बिकॉज विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, मॉडर्न इनपुट्स मतलब उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स भी आ गए, HYBCs भी आ गया, फिर बाकी सारे टूल्स एंड मैकेनिज्म सब आ गए. ठीक है, और सब्सिस्टेंस मतलब जरूरतों को पूरा करना, किसकी जरूरत, पूरे इंडिया की जरूरत, उसके लिए फार्मिंग एक्टिविटीज करना. ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में सिर्फ अपनी जरूरत पूरा करना है, ऐसा ही है? हाँ, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस मतलब अपनी जरूरत पूरी, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस मतलब अपनी तो जरूरत पूरा करती ही है, साथ में हमको कमाना भी है पूरा. ठीक है, लोगों को भी जरूरत पूरी करती है. ठीक है, अब तीसरा आता है कॉमर्शियल फार्मिंग. बॉडी के ऊपर ही पता चल रहा है क्या है हमारे लिए कुछ है ही नहीं है, ये तो लोगों को ही गिनाना और कमाना. ठीक है, तो कॉमर्स कॉमर्स मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स हम लोग करते हैं. ठीक है, हम जो फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं विद इंटेंसिव मॉडर्न इनपुट्स, इंटेंसिव मॉडर्न इनपुट्स मतलब बड़ी से बड़ी मशीन यूज करते हैं. प्रोडक्ट तो एक क्वालिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. ठीक है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट पे जाएगी. ठीक है, तो इंटरनेशनल मार्केट में तो मतलब कम तो बेच ही नहीं सकते. ठीक है, जैसे कि अभी हो रही है वैक्सीन, बना हम रहे हैं, लोग वहां मजर उठा रहे हैं और यहाँ नहीं मिल रही है, इसको ही बोलते हैं कॉमर्शियलाइजेशन. ठीक है, तो कॉमर्शियल फार्मिंग मतलब
ऐसी फार्मिंग होती है इंटेंसिव मॉडर्न इनपुट्स के साथ, जिसको पूरा पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट आता है उसको हम कमर्शलाइज कर देते हैं, मतलब लोगों को बेच देते हैं। उसमें ही आता है प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप में हमारे वेजिटेबल्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हम लोग बनाते हैं मोस्टली, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे इंडिया के अंदर 3 क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनती है। एक होता है बी, एक होता है बी और एक होता है सी, ठीक है। काफी हद तक मैं आपको बोलूं कि जो ए और बी है उसको हम करते हैं एक्सपोर्ट, और ये क्वालिटी हम लोग खाते हैं। वी आर कंज्यूमिंग सी कैटेगरी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। सोचो मार्केट में लेने जाते हैं कुछ वेजिटेबल या फ्रूट, ठीक है। वो एप्पल होता है, एप्पल होता है, एप्पल थोड़ा सा रेडिश दिखता है, थोड़ा सा पेल दिखता है, ठीक है। अब सोचो वो ए क्वालिटी का एप्पल होता तो कैसा दिखता, पूरा रेड। वहीं पे खाने की इच्छा हो जाएगी, और ये देखते हैं तो सी क्वालिटी का तो भी हम लोग लेके आते हैं, चलो अच्छा मिला तो सही, ठीक है। तो ज्यादातर हम लोग ए क्वालिटी और बी क्वालिटी जो कि कमर्शियल फार्मिंग में बनती है वो सारी क्वालिटी हम लोग दे देते हैं बाहर, और जो सी कैटेगरी प्रोडक्ट्स होती उसको हम लेते हैं अंदर, मतलब कंज्यूम करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा करते हैं? इकोनॉमिकली रेप्यूटेशन, सही बात है, रेप्यूटेशन तो है इंडिया में, इंटरनेशनल मार्केट का। ओनली फॉर मनी, ओनली फॉर मनी। दूसरा इकोनॉमिकली भी, वही इकोनॉमिक मतलब पढ़ी फाइनेंस, हाँ वही। और कोई क्यों ए बी क्वालिटी बाहर जाती है तो सी क्वालिटी हम लोग खाते हैं और हम लोग आवाज भी नहीं उठाते, चलो जो मिलता है ले लेते हैं। चलो सर अगर अच्छा क्वालिटी बाहर जाएगा तो बार बार हमें फिर ऑर्डर्स मिलेंगे ना, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होगा ना फिर। मेरे ख्याल से कितने साल हुए हमारे इंडिया को, 75 या 74 या 74 73 73 इयर्स हुए इंडिया को आजाद हुए। अच्छा तब से ये चल रहा होगा, आज तक कुछ भी मिला तो अभी क्यों दे रहे हैं? अगर आज तक कुछ नहीं मिला तो अभी क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं मिला पता है? वो भी नहीं क्यों मिला, हम लोग इतनी अच्छी क्वालिटी देते हैं तो हमको फायदा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सामने ऐसी चीजें लेते हैं, टेक्नोलॉजी, मशीनरी। अब मैं समझो एक थैली के अंदर 10 किलो एप्पल बेचने जा रहा हूँ और सामने बड़ा सा जायजेंटिक मशीन उठा के लेके आ रहा हूँ, क्या मिलेगा? उल्टा डेप्थ में चला जाऊंगा, सही है। 10 किलो एप्पल का भाव क्या होगा? मैक्सिमम 1 लाख रुपीज अगर आप चढ़ा चढ़ा के बेचो तो भी, और सामने वो मशीन देते हैं वो 50 लाख की होती है, तो बाकी के कितने 49 लाख कहाँ से लेके आऊंगा? यही हाल इंडिया का है 73 इयर्स, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा, ठीक है। पता चला और भी कई सारे रीजन है, वो आगे आगे डिस्कस करेंगे। ये रीजन तो आपने समझा और समझ नहीं आया, वापस समझाना है। कौन सा अभी जो आपने भी लास्ट में जो रीजन समझाया ना, हाँ वो समझ नहीं आया सर। हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट जो है वो बाहर की कंट्रीज को बेच देते हैं, ठीक है। ओके सर। और सामने से हम लोग क्या लेते हैं? मशीनरी, टेक्नोलॉजी। हाँ कोई भी इंटरनेशनल मार्केट में जब हम डील करते हैं तो क्या करते हैं? हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, हमको मशीन चाहिए, ठीक है। वी आर नॉट टेक्निकली साउंड, इतना टेक्निकली साउंड नहीं है, ठीक है। तो हमको मशीनरी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और हम एक गरीब किसान वाले देश हैं,
ठीक है, तो हम यहाँ से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करके जो भी प्रोडक्ट मिलती है वो लोगों को देते, क्योंकि वो लोग वहां नहीं कर पाते। मैं आपको बोलूं पूरे वर्ल्ड में अकेला इंडिया ही ऐसा है जिसमें मोर देन 60% पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। नहीं, बट टर्शियरी अभी बढ़ गया ना एग्रीकल्चर के कंपटीशन पे। टर्शियरी बढ़ा है पर उतना नहीं बढ़ा है। हाल फिलहाल अभी पिछले 5-7 साल में टर्शियरी सेक्टर बूस्ट हुआ, पर तो भी हमारा प्राइमरी सेक्टर तो प्राइमरी ही है, इसलिए तो हमने हटाया नहीं है प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहता था कि पूरे वर्ल्ड में अकेला इंडिया ही ऐसा है कि जो मोर देन 60% इंडियाज पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। अब सोचो बाकी सारे नेशंस कितने होंगे। मैं आपको बताऊं चाइना 7%, यूएसए 4%, रशिया 5%। सबके पास टेक्नोलॉजी है इसलिए पहले से ध्यान दे के रखा टेक्नोलॉजी के ऊपर, एग्रीकल्चर पर कम दिया। अब ये क्यों है पता है? इतना डिफरेंस क्यों है पता है? इसमें भी एक जोन है, यहां घुसता है अपने ज्योग्राफी बिकॉज ऑफ प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन। जो यहां पे नहीं है यहां पे फेवरेबल कंडीशन सारे क्रॉप्स है, इसीलिए इंडिया के पास वेरी वेरिएबल क्रॉप्स है, पर बाकी सारे नेशंस में चले जाओ नहीं होगा। वो यूएसए वाले एप्पल ही करा दे क्योंकि फेवरेबल कंडीशन वही है। ठीक है, और पिछली बार हम सोचे तो हिस्ट्री में ऐसा बोला गया कि शायद आप लोगों को 9th में या 10th में अभी आया होगा फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में कि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे उस टाइम पे सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं कीमत इम्पोर्टेंस इंडिगो का। हाँ, इंडिगो प्लांटेशन। ठीक है, इंडिगो बिकॉज ऑफ वी आर हैविंग अ फेवरेबल क्लाइमेट ओवर हियर तो हम लोग इंडिगो यहाँ ग्रो कर पाते, पर उस टाइम पे सारे के सारे जो फार्मर्स थे रेदर देन ग्रोइंग अदर प्रोडक्ट्स वो इंडिगो में ज्यादा फोकस करते थे क्योंकि वो एक कैश क्रॉप था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो विक्टोरिया थी वो भी इनको पिचिंग करती थी कि नहीं आप हमें इंडिगो उगा के दो, इंडिगो उगा के दो। ठीक है, अब यही चीज उन लोगों को सबसे ज्यादा डिमांड में थी इंडिगो। क्यों? क्योंकि एक ही कलरिंग एजेंट था जिसके वजह से वो व्हाइट से वो ब्लू कर सकते थे या तो वो ऑफ व्हाइट कर सकते थे, एक ही कलरिंग एजेंट था, दूसरा तो कोई था नहीं उस टाइम पे, केमिकल टाइप्स भी नहीं। ठीक है, तो इसके वजह से वो लोग सबसे ज्यादा डिमांड में इसको लेते थे इंडिगो को, यहाँ पे वो लोग करवाते भी थे इतना मार झूल के करवाते थे। हम लोग यहाँ के फार्मर्स नाम होते थे कि नहीं कि वो डीप रूटेड प्लांट है हमारी सॉइल खराब हो जाती है फिर भी वो करवाते। ठीक है, उसके वजह से तो रिवॉल्यूशन भी हुआ है, बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए। सबसे पहला इंडिगो रिवॉल्यूशन दिगंबर विश्वास करके दो ब्रदर्स थे, विश्वास ब्रदर्स उन्होंने किया, उसके बाद में ही हमने गांधी जी भी किया, तो सबसे पहला रिवॉल्यूशन उन्होंने किया। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया था कि इंडिगो की डिमांड बढ़ गई और यहाँ पे हम लोगों ने रिवॉल्यूशन करके बंद करवा दिया कि इंडिगो यहाँ पे ग्रो करना ही नहीं। उसके बाद में इन लोगों ने एक छोटा सा मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि इटली के पास फ्रांस अराउंड फ्रांस कुछ फेवरेबल एटमोस्फेरिक कंडीशन आर्टिफिशियल एटमोस्फेरिक कंडीशन क्रिएट करके उन्होंने वोट का प्रोडक्शन शुरू। नाइन्थ स्टैंडर्ड में फर्स्ट ईयर सेकेंड चैप्टर में आया हुआ था लोगों को वोड। वोड इज द प्रोडक्ट इन कंपैरिजन टू इंडिगो, पर इंडिगो का जो ब्लू कलर था वो इतना फ्लरिशिंग था कि वो वोड के कंपैरिजन में नहीं आता। ठीक है, तो अब तो फेवरेबल कंडीशन तो वहां पे थी नहीं, उन्होंने आर्टिफिशियल फेवरेबल कंडीशन बनाई, करना शुरू किया, सक्सेस नहीं हो पाए, वापिस से यहीं के धक्के शुरू हो गए इंडिगो के। ठीक है, तो ऐसा है कि यहाँ पे इतनी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने के लिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस उनको परमिट नहीं करती है, इसके वजह से वो लोग यहाँ पे ऐसे। पर हमारे यहाँ पर तो फेवरेबल कंडीशन है फिर भी हम लोग 60% है 24% बिल्कुल। ठीक है, ओके,
अब कमर्शियल फार्मिंग में और एक चीज आती है मॉडर्न इनपुट्स, ठीक है, मॉडर्न इनपुट्स। ये मॉडर्न इनपुट्स में क्या क्या सर? केमिकल फर्टिलाइजर, एचआईवी सीड्स सर, हाई इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, चलो लिख लेते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर विद एचआईवी सीड्स, एचआईवी सीड्स, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न फार्मिंग, इंसेक्टिसाइड्स, हाँ, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ये शुरू कहां से हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन ने पढ़ा तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में? यस यस सर, क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन? द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, सर, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, वो तो ये टेक्स्ट बुक में है, कुछ और कैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, कैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ आया, कैसे हम लोगों ने अडॉप्ट किया, ये सारी चीजें पता है? सर यस सर, इन इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन केम बिकॉज़ ऑफ द वेरी लेस प्रोडक्टिविटी, सो बाय यूजिंग दिस मॉडर्न इनपुट्स इट गेव अस a great economic development and a high productivity, and it was first adopted in Punjab and Haryana. Punjab. For which crops? Sir, for wheat. Wheat and rice. Wheat and rice. Wheat and rice. Okay, very good. ये लाने वाला कौन था? Any idea? सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन इनिशिएट कहां पे हुआ? पूरे बोल्ड चलो, इन्होंने एक चीज तो बता दी कि हमारे पास प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो थी और इसलिए हमने मॉडर्न इनपुट्स यूज किए, ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा उठाया और धीरे 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 हम लोग बहुत ही ज्यादा मतलब करने लगे। पर इनिशिएट कहां से हुआ था ये समझना बहुत ही जरूरी है। यहां से बाहर निकलोगे कहीं पे भी ये पूछने नहीं आएगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से फायदा क्या होगा, ये पूछने में जरूर आएगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने स्टार्ट किया, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? सर एम एस स्वामीनाथन, हां वो इंडिया के। गूगल सर्च हो रहा है क्या? ये तो इंफॉर्मेशन गूगल में मिलती है क्या सर? बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन पहले इनिशिएट हुआ था यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। It was initiated by American scientist. American scientist Norman Borlaug. It was initiated by American scientist Norman Borlaug. Norman Borlaug के साथ में supporting scientist था, उसका भी नाम लिख देता हूँ मैं, William Cain. ये दोनों ने मिलकर कुछ ऐसी चीज बनाई जिसके वजह से एकदम से प्रोडक्ट मतलब वो हाइब्रिड वैरायटी। अगर तुम लोगों को अगर ये साइंस में आता होगा बायोलॉजी में, वो स्टेम को कट करके फिर दूसरी रख देते हैं, फिर उसको लपेट देते हैं और उसको बॉटलिंग करते करते कुछ नई प्रोडक्ट मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? वो हाइब्रिड वेरिएंट। जैसे हमें मार्केट में मिलते हैं हाइब्रिड टोमेटोस, इतने बड़े बड़े, ठीक है, हाइब्रिड एप्पल्स भी मिलते हैं, ठीक है, तो
तो ये सारी चीजें हम लोग देखी हुई। तो वही तरह उसी तरह से इन लोगों ने कुछ ऐसा हाइब्रिड वैरायटी सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स बनाए। इन लोगों ने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स HYB, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाई हाइब्रिड सीड्स। शॉर्ट फॉर्म में हमको इंडिया में ऐसा ही बोला कि हाइब्रिड सीड्स है, भाई ले लो डाल लो, ठीक है। एक्चुअली उसका कांसेप्ट है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, हाई यील्ड, यील्ड मतलब प्रोडक्ट, हाई प्रोडक्शन वैरायटी, ठीक है। तो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हमें उन्होंने दिए, ठीक है। और इंडिया के अंदर यही ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने वाला था एम स्वामीनाथन, ही वाज इंडियन साइंटिस्ट, और इसने इनके साथ, उन्होंने इनके साथ कोलैबोरेशन करके वो सीड्स लेके आए यहाँ। और इन्होंने सिर्फ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स बनाए, उसके साथ साथ में इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी दिए कि अगर आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इसके साथ साथ में और कुछ चीजें करनी होगी। क्या? कि सबसे पहला आपकी इरिगेशन सिस्टम जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स कब यूज करेंगे? जब आपकी इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो अच्छी होगी। दूसरा, ऑप्टिमम यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करना है आपको, पर ऑप्टिमम यूज करना है, ठीक है। साथो साथ आपको इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड अदर मॉडर्न टूल्स अगर आप यूज करते हैं तो 100% सोन एरिया में से आपको मोर देन 97% प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। यही चीज एम स्वामीनाथन इंडियन साइंटिस्ट ने यहाँ पे इंप्लीमेंट की पंजाब एंड हरियाणा में, सिर्फ और सिर्फ वीट और राइस, ठीक है, क्योंकि उसी की किल्लत थी यहाँ, जो बेसिक जो चीज थी जिसके हम, जिससे हम लोग सस्टेन करते हैं गुजरात के अंदर, वेस्टर्न पोर्शन में सब जगह पे वीट और नीचे सब जगह पे राइस, ठीक है, तो उसकी ही किल्लत थी। तो उस वही दो क्रॉप्स जो है उसके उन्होंने हाइब्रिड वैरायटी बना दी, एक वीट और दूसरा राइस। और यहाँ पे फिर उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया पंजाब हरियाणा से, और नाउ पंजाब इज अ वीट ग्रेनरी ऑफ इंडिया, या तो उसको वीट पाउडर भी बोलते, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वीट का पंजाब हरियाणा में, ठीक है, और राइस का वेस्ट बंगाल या कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, कनाडा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, क्लियर यहां तक? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब उसके फादर को, हु इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, नॉर्मन बोरवॉग एंड विलियम गांधी, ठीक है। और उसके साथ साथ में हमारे इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब कि एम स्वामीनाथन, क्लियर कंसेप्ट? और मॉडर्न इनपुट्स कहां से आई है? यहां से। और ये सारा चैप्टर कैसे शुरू हुआ? 1991 की जो टी पॉलिसी शुरू हुई उसके बाद में ये इनिशिएशन हुआ। उसके पहले तो दरवाजे बंद करके रखे थे जवाहरलाल नेहरू, नहीं खोलना ही नहीं, टीवी नरसिम्हा राव ने आके खोलो, तब बाकी की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट मॉडर्न इनपुट्स ये सारी चीजें अंदर आई। हम लोग ने सीखा और सीखते सीखते आज हम लोग, पहले मांगते थे आज हम लोग बेचते हैं, ठीक है। इसका प्रोडक्शन 10 टाइम्स बढ़ जाता है। HYB सीड्स यूज करते हैं, साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और मॉडर्न टूल्स यूज करके और प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज यूज करके अगर हम इसको सो करते हैं तो 10 टाइम्स हमारा प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है, क्लियर? पता चला? तो प्लांटेशन क्रॉप जो भी वो इसी तरह से ग्रो करते हैं, है ना? हम आते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न तीन टाइप की क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग सीजन है, ठीक है। कौन सी है? रबी, खरीफ एंड जेड सीजन। सबसे पहले है रबी, खरीफ, जेड, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में समझा दो, दिस इज विंटर क्रॉप, दिस इज मॉनसून क्रॉप,
और ये बीच वाला समर या तो होली हो, क्योंकि शुगर केन इसे जायद क्रॉप और उसको पूरा साल लगता है, इसलिए इसको होली क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, बाकी सारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि समर क्रॉप इज जायद, पर एक क्रॉप ऐसा है शुगर केन जो जायद में आता है और पूरे साल ग्रो होता है, सबसे ज्यादा यूपी। ठीक है, और कोस्टल एरिया केरला तमिलनाडु, तो ये पूरे साल लगता है, इसलिए ये होलियर क्रॉप ही बोला जाता है इसको। ठीक है, बाकी तो ये दोनों है ही, रबी मतलब कि विंटर, ठीक है, और खरीफ जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनसून से, उसके बाद में उसकी हार्वेस्टिंग पीरियड आती है, और इसके बाद में आता है जायद जो बीच में वाटरमेलन मस्क मेलन वो सारी चीजें हो इसके अंदर होती है, कंबर शुगर केन ये सारी चीजें। इसमें बी सबसे ज्यादा, इसमें पैडी सबसे ज्यादा, बी पैडी, पैडी इज नाइस। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ लो। अच्छा, और एक चीज, अगर आपको मैप आता है, मैप आएगा, तो मैप को याद रखने के लिए मेरी एक टेक्निक है कि जहां जहां, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वीट जो है उसको कम पानी चाहिए, राइस को ज्यादा पानी चाहिए, समझना समझना, वीट को कम पानी चाहिए मतलब इरिगेशन फैसिलिटी से चल जाता है, राइस को ज्यादा पानी चाहिए या तो पैडी को ज्यादा पानी चाहिए। ठीक है, तो पूरे इंडिया के अंदर जहां जहां अप्रोक्सीमेटली 200 से लेके 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है वहां राइस नहीं, जहां जहां 200 सेंटीमीटर से या तो 150 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक हम लोग जाते ही नहीं है मोस्टली। ज्यादा कौन है, ये अपना मोन्सीगरम या मेघालय वो जो है ना, वो पोर्शन पूरा वहां का तो कुछ उठता ही नहीं क्योंकि पूरा फॉरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो रेंजिंग बिटवीन 150 to 300 इतना समझ लो, सबसे ज्यादा रेनफॉल जहां होगा वहां पे राइस पक होगा। ठीक है, अच्छा जहां पे 70 से लेके 150 तक होता है वहां पे वीट पकता, और जहां पे लेस देन 70 है वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज तो नहीं। ठीक है, पर ज्यादातर इरिगेशन फैसिलिटीज से बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, हालांकि यहाँ पे जब नेचुरल रेनफॉल होता है, ठीक है, तो वहां पे बहुत ही जल्दी ग्रो होता है। ठीक है, क्लियर, तो ये तुम लोगों को मैप जब हम लोग करेंगे तो उस टाइम पे लिखा होगा कौन से स्टेट्स में 100 to 150 रेंज करता है, सेंटीमीटर रेंज करता है, कौन सी जगह पे 100 to 150। यूजुअली जो कोस्टल एरियाज है वहां सारे कोस्टल एरियाज में पैडी होती है, सारे कोस्टल एरिया, अब देख लो टेक्स्ट बुक में दिया ही होगा सारे कोस्टल एरिया, क्योंकि वहां पे रेंजिंग 150 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता ही है, चाहे वो कर्नाटक देख लो, चाहे वो केरला देख लो, चाहे वो वेस्ट बंगाल देख लो, चाहे वो तमिलनाडु देख लो, चाहे वो आंध्र प्रदेश देख लो, सब जगह पे राइस उगते ही है। ठीक है, गुजरात, गुजरात में भी कोस्टल एरिया में उगते हैं। ठीक है, बीच में गुजरात, गुजरात के अंदर मोर देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, इसलिए वीट भी है। पंजाब हरियाणा रेंजिंग बिटवीन 70 to 80 सेंटीमीटर सबसे ज्यादा है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं जम्मू कश्मीर और सब जगह पे वहां पे स्कैंटी रेनफॉल में 10 सेंटीमीटर सीखा, तो वहां पे तो जो प्लांटेशन क्रॉप्स है वही उगते हैं, वहां पे वीट या राइस वगैरह कुछ। हाँ, जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं कुछ जगह पे जब इरिगेशन प्रॉपर फैसिलिटीज होती है तो वहां पे राइस हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू लर्न, क्लियर, पता चल गया, याद है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नो सर। सर तो इंटेंसिव फार्मिंग और क्रॉनिकल फार्मिंग में डिफरेंस क्या होगा?
कौन सा इंटेंसिव फार्मिंग और क्रॉमिकल कॉमर्शियल इंटेंसिव फार्मिंग इंटेंसिव फार्मिंग मतलब हम लोग हमारी नेशंस को सस्टेन करने के लिए बना और कॉमर्शियल फार्मिंग मतलब वो इतना कॉमर्शियल होता है कि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न इनपुट्स डाल के हम लोग उसको बेच ही देते हैं जैसे कि कैश क्रॉप्स जितने भी बेवरेजेस हैं टी कॉफी ठीक है कोकोआ कैशनट्स ये सारी चीजें जो है वो हम लोग यूजुअली हम लोग बेच ही देते बाहर कैश क्रॉप्स बोलते हैं ठीक है तो यूजुअली ये सब बाहर ही चले जाते हैं ठीक है तो इस हिसाब से कॉमर्शियल फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग दोनों के बीच में डिफरेंस है यहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में मॉडर्न इनपुट्स यूज करते हैं पर कम यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं पर कम पर आजकल तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं केमिकल फर्टिलाइजर को छूट दे दी है तो ये लोग तो मतलब यूज ही करते जा रहे हैं ऐसा तो कुछ है मतलब रियलिटी अलग है फैक्ट अलग है टेक्स्ट बुक में तो बहुत सारी चीजें लिखी होती है रियलिटी में अगर देखो तो बहुत डिफरेंस होता है ठीक है पर ऐसा बोला जाता है कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में मॉडर्न इनपुट्स कम होता है रेदर देन कमर्शियल सब्सिस्टेंस तो इतना याद रखना दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है और अगर कमर्शियल सब्सिस्टेंस फार्मिंग में अगर एग्जांपल देना चाहो तो फिर आप प्लांटेशन क्रॉप का एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें सबसे ज्यादा ये लोग यूज करते हैं चलो फिर थोड़ा पढ़ लेते हैं शुरू करो टेक्स्ट बुक है जो एग्जांपल तमिलनाडु में राइस का कल्चर ज्यादा है तो वहां पे लोग राइस ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं जो ट्रेडिशन उनका चला आ रहा है तो वो ऐसे ही करते हैं नहीं ट्रेडिशन अलग चीज है कल्चर अलग चीज है कल्चर ठीक है ना वहाँ पे राइस सबसे ज्यादा वो होती है इसलिए वो लोग राइस खाते हैं तो वो कल्चर बन गया पर सोशियो कल्चर कल्चर कुछ पता नहीं चला तो एक पर्टिकुलर रीजन है ना मतलब मैं सपोज मेरा ये फील्ड है और तुम्हारा ये फील्ड है तो मैं जिस तरह से वीट ग्रो करूंगा उसी तरह से तुम ग्रो करो वही हुआ ना नहीं वीट तो ग्रो करने की सिस्टम तो एक ही है मैं ग्रो करूं तमिलनाडु में आप ग्रो करोगे कर्नाटक सिस्टम तो सेम ही है ये वो अलग अलग बोल रहा है सोशियो कल्चरल दोनों को कंबाइन किया मतलब कुछ नया है सोशियो मतलब सोशियल ठीक है सोशियल मतलब कोई ऐसे फार्मर्स जो जिसके पापा भी फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं उसके दादा भी जनरेशन टू जनरेशन तो वो जो जनरेशन टू जनरेशन से जो टेक्निक चलती आ रही है वही टेक्निक से ये लोग करते हैं और कल्चर क्या वहां का कल्चर सपोज राइस है तो वही टेक्निक से वो लोग राइस बनाएंगे वही टेक्निक से वो लोग राइस सॉरी वीट ग्रो करेंगे तो दिस इज सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस ट्रेडिशन यस
फिर ट्रेडिशन में भी तो वही ना, जिस ट्रेडिशन से पहले जनरेशन टू जनरेशन करके आ रहे हैं वैसे ही ट्रेडिशन से वो ग्रो करेंगे, और कल्चर तो है उनका ट्रेडिशन है। हाँ नहीं, ट्रेडिशन चीज अलग है। ट्रेडिशन मतलब हमारे गवर्नमेंट में भी एक ट्रेडिशन फॉलो होता है, वही ट्रेडिशन हम फॉलो करते हैं। जैसे कि हम लोग ऐसी तो इसी तरह से खाना खाते हैं, उसी तरह से खाना खाए। पर कल्चर मतलब सम टोटल ऑफ हैबिट्स ट्रेडिशन कस्टम्स वैल्यूज। मतलब कल्चर में बहुत सारी चीजें आ जाती है, कल्चर में ट्रेडिशन भी आ जाता है। ये चीज मैं स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न इज अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टम फार्मिंग। क्योंकि वहां पे क्या करते हैं कि काफी सारे हमारे यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, जिनके पास लैंड नहीं होता। इसके लिए तो बड़ा सा मतलब की क्या बोलते हैं योजना बनी थी, यज्ञ किया था विनोबा भावे ने। और पहले हमारे यहाँ पे जमींदारी सिस्टम थे। अब जमींदारी सिस्टम क्या है बताए? For example, किसी को हमने हमारी soil है, हम we are not growing anything, so we are giving the soil to rent. For example, I have rented soil, so मैंने आपको soil की rent पे, so you can grow anything you want. This is जमींदार. अच्छी तो है सिस्टम तो, बंद कर दो. इतनी अच्छी सिस्टम है मेरे पास land है, इसके पास land नहीं है, मैंने इसको land दी. सामने पैसा नहीं है तो बंद क्यों कर दिया? क्या जमीन ली रेंट पे और सपोज मान लो कि नेचुरल कैलामिटी हो, फ्लड आ गया, तो मेरी पूरी जो भी मैंने मेहनत करी थी वो पूरा फ्लड वॉश आउट करके ले लिया। अब मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए, तो रेंट भी है मेरे सिर पर डेट, ठीक है। तो दिस इज वन रीजन, ठीक है। हाँ, इसके वजह से जमींदारी सिस्टम को एबोलिश किया गया, पर मेन रीजन कुछ अलग था। सोचो और सोचो। आपका वीडियो ऑफ हो गया है क्या? वीडियो ऑफ हो गया था। अच्छा सर, आपका क्वेश्चन क्या था? अच्छा, जमींदारी सिस्टम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जमींदारी सिस्टम अगर इतनी अच्छी थी तो जमींदारी सिस्टम को एबोलिश क्यों किया था? सर कैन आई आंसर? यस सर, क्योंकि उसके तीन मेन रीजन थे। पहला, जो पुअर पीजेंट्स होते थे उनको लैंड नहीं मिल पाती ताकि वो खुद से कल्टीवेट कर सके। सेकंड, जो पीजेंट्स होते थे उनको बेगार सिस्टम से एबोलिशन चाहिए था, क्योंकि सर वो लोग फ्री में काम कर सकते थे अगर उन्होंने
जमींदार से कोई लोन ले रखा है तो जिसकी वजह से उनको पेमेंट नहीं मिलती थी। और सर थर्ड इसके चलते सर पॉवर्टी बहुत। एक मिनट, ये दूसरा कौन समझ नहीं आया। सर बेगार सिस्टम था ना सर इंडिया के अंदर पहले, अगर जमींदार सर जमींदार के पास अगर पीजेंट ने लोन लिया है तो उसे उसके यहाँ पे फ्री में काम करना पड़ेगा। यस यस, इनकम नहीं थी ना लैंड में। और सर उसके बाद में सर पीजेंट्स के पास में कोई इनकम नहीं होती थी जब वो पूरे साल बेकार हो जाते थे। तो जो सेकंड वाली जो तुमने रीजन बताया वो सेकंड वाला रीजन तो ऐसा था कि अगर उसने उसके पास से लोन ली हो तो सर वेजेस भी बहुत कम होते थे। सर ये वेजेस ही बात है, वेजेस भी नहीं है ना यहाँ पे, वेजेस तो है ही नहीं। एक जमींदारी सिस्टम मतलब कोई एक जमींदार है वो अपनी जमीन जो है वो फार्मर्स को दे रहा है रेंट पे, दिस इज जमींदारी सिस्टम। सर तो अगर वो सारे पैसे अगर जमींदार को दे देगा तो उसके लिए क्या बचेगा, या फिर दूसरे क्रॉप ग्रो करने में क्या होगा। सारे पैसा तो जमींदार को मिलता ही नहीं था क्योंकि उस टाइम पे वो थोड़ी मानते थे। जमींदारी सिस्टम में कंसेप्ट क्या था कि अगर मैंने किसी के पास से जमीन ली तो मैं पूरी पूरा काम करके करने के बाद जो मुझे प्रॉफिट होता है उसके में से मुझे रेंट देता, मतलब दे आर नॉट चार्जिंग इनिशियल। मैं जैसे ही क्या उसने जमीन को टुकड़ा दे दिया और बोले पैसे रख, मैंने ऐसा नहीं, आप काम कर लो पैसे आपके पास जब भी हो जाए उस टाइम पे आप मुझे रेंट दे दें। This was the concept of जमींदारी सिस्टम। पर बंद क्यों हुई? एक तो रीजन इसने बताया कि फ्लड आ जाए तो फिर भी वो लोग रेंट चार्ज करते हैं, ठीक है ये तो ठीक है। मेन रीजन उसका ये है जमींदारी सिस्टम जो है उसमें काफी सारे पॉइंट्स यू पोल्स क्या था सबसे पहले जो भी जमींदार लैंड को रेंट पे देता उसके पास है सबसे पहले रेंट के लिए था, ठीक है। लालच इतनी बड़ी थी इसकी वो क्या करता था जब प्रोडक्शन हो जाता था और क्रॉप्स अच्छे होते थे, ठीक है अच्छे या बुरे क्रॉप्स अच्छे होते थे उसका प्लीट फ्लरिश होता था और वो जब बेचने जाता था तो उसका भी 50% प्रॉफिट मांगते थे। मतलब क्या हुआ, ये तो एक्सप्लॉइटेशन है। पहले बात करता है सिर्फ और सिर्फ ब्रांड की और जब क्रॉप्स फ्लरिश होते हैं और मैं जब बेचने जाता हूँ तो उसके बाद में 50% मुझे वो उसमें से भी पार्ट मांगता है, मैं खाऊंगा क्या। और उसके ऊपर द लास्ट पॉइंट इज ऑफ लैंड रिवेन्यू, बोलो ब्रिटिशर्स मांग रहे हैं बोलो। और इसमें भी क्या होता yes, था जो यस सर पौने नौ हो गए। ओके